स्वागत है आपका टूर्नो के इस एपिसोड में, जहां पिछली वीडियो में हम ट्रेवल कर रहे थे राजस्थान के बाड़मेर में। तो अब चलते हैं कहीं और, पाली की ओर। जी हां, एक शहर जो जाना जाता है अपने वर्ल्ड फेमस हीना मेहंदी के लिए, जहां की स्वीट्स गुलाब हलवा की तो बात ही कुछ और है, वहीं मंदिरों की तो गिनती नहीं है, जो प्राचीन समय में राजस्थान का ट्रेड सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। तो शुरू करते हैं और जानते हैं पाली से जुड़े कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूर्नो। पाली जो राजस्थान राज्य के पश्चिम में स्थित एक धार्मिक शहर है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से 300 किलोमीटर और जोधपुर से 70 किलोमीटर, वहीं उदयपुर से 185 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो है नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। टोटल 12,387 किलोमीटर स्क्वायर में फैला पाली राजस्थान में एरिया के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा शहर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 21 लाख के आसपास है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान का 14 सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के लोग हिंदी, मारवाड़ी और गोडवाड़ी भाषा बोला करते हैं। प्राचीन समय में पाली पर पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था, इसीलिए पाली को पहले पालिका और फिर पाली के नाम से जाने लगा। क्या आपको पता है अकेले पाली में 48 बांध है, यानी 48 डैम्स, जिनमें वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध भी पाली में मौजूद है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 7,880 मिलियन क्यूबिक फीट के आसपास है, जो फेमस है अपने प्रवासी पक्षियों और मगरमच्छों के लिए, जहां की पहाड़ियों पे आप तेंदुए को देख सकते हैं। 16th सेंचुरी की लाजवाब कवि और भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई का जन्म पाली की कुड़की गाँव में 1998 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी अपने ननियाल दान मंडी के पास जूनी कचरी पाली में ही हुआ था। इसी स्थान पे 2011 में उनकी प्रतिमा लगाई गई। वैसे कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। पाली फेमस है अपने सोजर सिटी के हीना मेहंदी के लिए, जहाँ की मेहंदी 90% इंडिया का उत्पादन और 130 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। पाली दूध से बने गुलाब हलवा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा पाली का मारवाड़ी अचार भी इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है। वहीं पाली के फेमस स्ट्रीट फूड्स है कचौरी, मिर्ची बड़ा, मारवाड़ी कुल्फी और गोला आइसक्रीम। पाली की उमेद मिल यह राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, जिसे जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 1942 में बनाया था। वहीं पाली अपने कपास, पॉलिस्टर और रूबिया ब्लाउज के उत्पादन और निर्यात में राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए पाली को राजस्थान का टेक्सटाइल हब के रूप में भी जाना जाता है। बात करें यहाँ के कुछ प्रमुख उद्योगों की, तो मेहंदी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सूती कपड़े की रंगाई छपाई, अम्ब्रेला मेकिंग, कृषि उपकरण, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग और पत्थर और मार्बल की फिनिशिंग यहाँ की मुख्य उद्योग है। पाली अपने पिंक गोट यानी गुलाबी बकरियों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक वोलस्टोनाइट खनिज पाली में होता है और तिल और सनफ्लावर भी सर्वाधिक पाली में होते हैं। फैक्ट तो ये है कि राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर पाली के फानला में मौजूद है, जबकि पाली के रणकपुर जैन मंदिर को भारत के टॉप 5 जैन तीर्थ स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें टोटल 1444 जटिल नक्काशीदार खम्भे है। वहीं पाली का सबसे पुराना मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जिसे 1152 ईस्वी में चालुक्य शासक कुमार पाल ने बनवाया था। यहाँ के लोकप्रिय फेस्टिवल है रणकपुर फेस्टिवल और सोनाना खेतलाजी फेस्टिवल। यहाँ की गाड़ियाँ RJ22 से रजिस्टर्ड होती है। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अजमेर डिवीजन के बाद पाली का मारवाड़ जंक्शन सबसे अधिक कमाई करने वाला स्टेशन है। वैसे पाली शहर मारवाड़ के अंतर्गत आता है, जहाँ कई चौहानों, राठौड़ों और मारवाड़ों ने राज किया, लेकिन 1857 में पाली के औवा में अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के ठाकुरों ने एक अहम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा। इन सब के अलावा पाली के कुछ फेमस टूरिस्ट लोकेशंस भी है, लेकिन उससे पहले अगर आप पाली की टूरिस्ट लोकेशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ की कुछ फेमस टूरिस्ट लोकेशंस है रणकपुर जैन मंदिर और बांध,
जवाई बांध और जवाई सफारी, ओमबना धाम, ओजत फोर्ट, धानेराव एडवेंचर्स, सोमनाथ टेम्पल, नारलाई अई माता जी, आशापुरा माता नडोल, सोनाना खेतलाजी टेम्पल, जैन गोल्डन टेम्पल ऑफ फालना, जार्डन आश्रम, बांगर म्यूजियम, अतुंडी लता महावीर, लकोटिया गार्डन, परशुराम महादेव गुफा, निम्बुगनाथ, मीरा फोर्ट, महाराणा प्रताप स्मार्क, पावन धाम, जैतरण, भाटून विलेज ऑफ टेम्पल्स, दरगाह पीर मस्तान और सरदार समंद पैलेस। तो ये था पाली के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको पाली के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जो हथियार आ रहे हैं उन्हें देशों से एयरक्राफ्ट को छोड़ दें, हवाई जहाज़ों को छोड़ दें।